नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं बात करूंगा महालक्ष्मी रबर टेक लिमिटेड के बारे में। और आज इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। और देखिए, ये जो महालक्ष्मी रबर टेक लिमिटेड ये जो कंपनी है, तो इस कंपनी के अंदर ये जो ऑपरेटर है, मतलब ये बहुत ही क्या बोलते हैं, एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 200 करोड़ रुपया के आसपास है, ठीक है ना। अब देखिए, तो जब इस कंपनी का जब लिस्टिंग हुआ था, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो प्राइसेज आपको नजर आ रहा है वे 64 रुपया नजर आ रहा होगा। और यहां से क्या हुआ कि 64 रुपया से जो कंपनी का जो इसने एक लगभग ये जो एक हाई बनाया था वे लगभग 171 रुपया के आसपास इसने हाई बनाया था, ठीक है। फिर इस कंपनी के अंदर क्या हुआ, हमें फिर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, ठीक है ना। और ये जो कंपनी है वे फिर गिरकर 115 रुपया पर आया, ठीक है। और फिर इस कंपनी को 2 मार्च 2022 को फिर इस कंपनी को मैनुपलेट कर 115 रुपया से लेकर, ठीक है ना, और यहाँ पर जो आपको जो लेवल दिखाई दे रहा है वह कितना का लेवल दिखाई दे रहा है, लगभग 301 रुपया का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी देखिए, ऐसे कंपनी में आपको जो ग्राफ दिखाई देता है, तो जब भी बाजार में गिरावट का जब माहौल रहता है, तो देखिए इस कंपनी में क्या था, सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि ये जो इसके जो प्राइसेस है वे काफी ज्यादा नीचे गिरता है। देखिए क्योंकि कि जो कंपनी है, देखिए किस तरह से ऑपरेटर ने इसके अंदर खेल खेला है, यानी इस कंपनी में खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले बहुत ही कम हैं। तो इस टाइप के जो शेयर होते हैं ना, तो आप इनसे बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। क्योंकि देखिए, जब गिरावट का जब माहौल होता है तो ये काफी एक भयंकर की तरफ गिरता है, यानी काफी ज्यादा इसमें बिकवाली होता है और आप इसमें बिल्कुल फंस सकते हैं। फिर देखिए, फिर कंपनी ने हाई बनाने के बाद और कंपनी अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और आज इसने कंपनी लगभग 188 रुपया का लो बनाया है। और देखिए, इस कंपनी का अब अभी कोई क्या बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लेकर भी चलते हैं, तो ये 120 का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लेकर चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो कंपनी के अंदर जो बिकवाली का जो माहौल है वे काफी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग से ही आपको ये जो ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसमें खरीदने वाले बहुत कम थे, सॉरी खरीदने वाले काफी ज्यादा थे बट बेचने वाले की संख्या काफी कम था। तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं ना, तो आप इस शेयर से बिल्कुल दूरी बना के रखें। क्योंकि जब गिरेगा तो काफी ज्यादा भयंकर गिरेगा और जो आपका जो लॉसेस है वे काफी ज्यादा होगा। तो कभी कभी आप लोग चार्ट पे भी ध्यान देना जरूरी है। और देखिए, 188 रुपये यानी आज के दिन भी क्या बोलते हैं, 20% का लोअर सर्किट बनाया है। और मुझे लगता है कि ये जो डाउन ट्रेंड का जो सिलसिला है वे 120 रुपया और ये 100 रुपया, इवन ये 80 रुपया तक भी ये शेयर आ सकता है। तो देखिए, तो इस कंपनी में अगर आपको खरीदना भी है तो आप इस कंपनी से अभी बिल्कुल दूर रहिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेता हूँ, और कंपनी का फंडामेंटल देखने के बाद हम लोग डिसाइड किया जाएगा कि इस शेयर्स को किस लेवल पे खरीदे, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, कंपनी का हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो जो कंपनी का जो फंडामेंटल है, ठीक है, तो देखिए एक बहुत एक छोटी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है 200 करोड़ रुपया है। और कंपनी का बिजनेस क्या है, तो देखिए जो कंपनी का जो बिजनेस है वे एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, एंड अ पार्ट ऑफ द महालक्ष्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तो महालक्ष्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की एक पार्ट है, ठीक है ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वे अहमदाबाद है। ऑल फैसिलिटीज आर लोकेटेड विद इन 50 किलोमीटर विद इन इसर, यानी जो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है और जहां पर इसका जो इंडस्ट्री है वे 50 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है।
और देखिए जो कंपनी का जो हाई था यहाँ से 315 रुपया का है, और जो 52 वीक लो है वे 114 रुपया है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 82 रुपीज है। अभी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 189 रुपीज है। स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 23.7 का है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। अब देखिए क्वार्टरली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर हमें इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एक आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है ना। क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। और जो दूसरा जो पॉजिटिव न्यूज है वे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वे भी अच्छा खासा है, ठीक है ना। तो देखिए और कंपनी का जो अदर इनकम भी है वे भी ठीक ठाक है, ठीक है ना, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो यानी क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर भी देख लेता हूँ कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। देखिए 2017 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था 202 करोड़ का है, 2018 में 228 करोड़ का है, 2019 में 186 करोड़ का है, 2020 में 181 करोड़ का है, 2021 में 138 का है, 2022 में 197 करोड़ का है और 2023 में 267 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया है। और वही अगर मैं कंपनी के अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 2017 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 5 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में भी 5 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 6 करोड़ का प्रॉफिट है, 2022 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है और 2023 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी ईयरली बेसिस पे कंपनी तो काफी अच्छा कर रही है। कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वे भी काफी अच्छा है। कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वे भी सही है। जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर है वे भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा है। अगर मैं कंपनी के अगर मैं रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व्स है वे 49 करोड़ रुपए से बढ़कर 77 करोड़ रुपीज हो चुका है। वही कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वे 56 करोड़ का कर्जा है और जो कंपनी के ऊपर जो अदर लाइबिलिटीज है वे 67 करोड़ रुपीज का है, ठीक है। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अब देखिए जो प्रमोटर्स है वे अपना धीरे धीरे होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं और मार्च 2023 में जो इनका जो होल्डिंग है वे 64.80% का स्टेक है, जो FIs के पास 0.58% का स्टेक है और जो DIs है उनके पास 0.07% का स्टेक है और जो पब्लिक होल्डिंग है उनके पास 34.54% का स्टेक है। यानी देखिए कंपनी तो ठीक ठाक है बट जो कंपनी में जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने कंपनी को किस तरीके से मैनिपुलेट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार मैं फिर से एक बार यहाँ पर मैं चार्ट खोल लेता हूँ महालक्ष्मी, एक मिनट, महालक्ष्मी रबड़ टेक के बारे में, ठीक है। और देखिए यहाँ से कंपनी का चार्ट खुल गया। तो देखिए कंपनी का तो जो बिजनेस है वे तो खैर ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो अगर आप में अगर आप इसको अगर बाई करना है तो आप इस शेयर से बिल्कुल दूरी बना के रखें। तो जो हमारा जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वे 120 रुपीज का हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर ये 120 रुपीज का अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये 80 रुपीज का ये हमारा सेकेंड ब्रेकडाउन होगा और जो हमारा जो थर्ड होगा वे 60 रुपीज का होगा। तो अगर आप में अगर आपको इसको फ्रेश पोजिशन अगर बनाना भी है तो आप 60 रुपीज से 80 रुपीज के बीच में आप इस शेयर में अपना पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो प्राइसेज है और जो कंपनी का जो फंडामेंटल है तो उसके बेसिस पे जो कंपनी का जो प्राइसेज है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। और देखिए जब कंपनी का अगर फेयर प्राइसेज नहीं होता है ना तो कंपनी का जो प्राइसेज है वे लगातार नीचे की तरफ गिरता रहेगा और जैसे ही कंपनी का फेयर प्राइसेज हो जाएगा तो कंपनी वहां से गिरना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अगर आप इसमें अगर बाई की अगर सलाह लेते हैं तो 60 रुपीज के आसपास आप इसमें बाई लीजिए और फिर वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप वहां से
बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।